दोस्तों वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ममता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको एक जंगल का सैर कराने वाली हूँ, जो कि यहाँ पे बहुत सारे जंगल की देसी सब्जियाँ आप लोगों को एक एक करके दिखाऊँगी, जो कि बहुत सारी है। और मैं अपने गाँव में हूँ, आप फिलहाल इसी प्रकार से मेरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे खेत खलिहानों के। तो यहाँ मैं कंकेड़ा तोड़ रही थी, तो दोस्तों आप लोग बताना इसको क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे थे, मतलब ये ताज़ा सब्जी है और ये सब हर जगह इस टाइम पे ये बरसात के मौसम में ये उगने वाली सब्जी है और ये अपने आप ही उग जाती है। और इसमें जो मैं रियल आवाज़ है उसको भी म्यूट नहीं करूँगी, जो कि मेरी यहाँ पे भतीजी बना रही थी व्लॉग वीडियो, इसलिए मैंने म्यूट नहीं किया है। वो भी बीच बीच में कुछ कुछ बोल रही थी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, छोटी है, 8-9 साल की है, लेकिन उसने काफ़ी अच्छा हद तक अच्छा बनाया। फिर भी मैं अपनी आवाज़ डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हम तोड़ रहे थे कंकेड़ा, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको, इसके बारे में भी बताना। और एक बेल में इतने सारे मतलब बहुत सारे कंकेड़ा थे और काफ़ी ऊंची तक ये बेल छेली हुई थी, तो जितना मेरा हाथ गया तो फिर मैंने यहाँ पे तोड़ लिया। फिर उसके बाद में जो मेरी भतीजी है वो तोड़ने के लिए गई, यहाँ पे देखिए ये चढ़ गई है और यही मेरा ब्लॉग बना रही थी पूरा, और काफ़ी अच्छा बनाया। यहाँ पे देखिए कैसे चढ़ के दिखा रही है, कितने लगे हुए हैं, कितने बड़े बड़े से लगे हुए हैं और बहुत सारे थे। तो हमने एक दिन के खाने के लिए सब्जी पूरी तोड़ ली थी, क्योंकि ये हमारे घर के ज़्यादा दूर नहीं थे, पास में ही हैं, अगल बगल चारों तरफ ये लगे हुए थे, इसलिए हमने इनको तोड़ लिया। तोड़ने के बाद इनकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है, इतनी टेस्टी लगती है, सच बताऊं दोस्तों बहुत अच्छी लगती है कनकेड़ा की सब्ज़ी। तो आप लोग बताना आपने भी ये कनकेड़ा की सब्ज़ी खाया है और आप यहाँ पर क्या बोलते हैं। तो मैं इसको बोल रही थी कि हाथ पे लेके दिखा, तो इसकी मैंने एक फ़ोटो भी खींची, थंबनेल भी बनाया है इसका ही। तो यहाँ पे देखिए कैसे देखने एक एक मतलब डाली पे छिपे हुए थे बेल पे, और इसकी ज़्यादा बड़ी बेल नहीं थी दोस्तों, छोटी ही थी, लेकिन फिर भी इतने सारे और बहुत ज़्यादा थे। देखिए ये कंकेड़ा था तो ये पाक गया था, तो इसको तो मैंने फेंक दिया था। और ये बेल बरसात में अपने आप ही उग जाती है और अपने आप इतनी सारी सब्जियाँ हो जाती हैं। अचानक ही तो यहाँ पे मेरी आवाज़ आ रही होगी, मैं भी बोल रही हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसे घूम रही थी, मुझे एक दिखा, सिर्फ ज़्यादा नहीं दिखा था, सिर्फ एक दिखा था, तो एक दिखा था, मैंने सोचा इस बेल में मुझे लग रहा कनकेड़ा है, तो पास में गई, फिर मैं उसको बुला के लाई, मैं अपनी भतीजों को लेके आई, फिर मैंने बोला कि मेरा वीडियो बनाओ और मैं इस बेल से तोड़ूंगी जरूर। तो यहाँ पे देखिए घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं था, और ये मकान ही है, यहाँ पे रेत भी थी, हम काफ़ी घूम फिर के इंजॉय कर रहे थे। और इस टाइम पे बरसात के मौसम में दोस्तों इतना इंजॉय करने का मन करता है, इतना इंजॉय, हरे भरे। और ये जो बेल है दोस्तों, आप इसको पहचानते हो आपके यहाँ इसकी सब्जी बनती है या नहीं बनती है? कंकेड़ा की बेल नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये कंकेड़ा है, लेकिन वो नहीं है, इसके और कुछ है, लेकिन इसकी सब्जी बनती है। राजस्थान में इसकी भी सब्जी बना के खाते हैं, तो ये हम घर के आसपास ही थे, तो बच्ची बोली कि बुआ देखना यहाँ पे एक तरबूज भी है, तो मैंने दिखा कहाँ पे ये मकान है, सब एक कुआ बोल सकते हो, जो खेतों में रहते हैं वही है, ये हमारा घर है चारों तरफ। तो वही मैं बोल रही थी, ये बेल में इतने सारे थे, बहुत ज़्यादा थे सच में दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मैं भी सोच रही थी इतने सारे कैसे कंकेड़ा है बेल में, और कंकेड़ा जो बेल ही ऐसी होती है, मतलब जहाँ पे एक भी लगा हो। और यहाँ पे देखिए हमने एक बेल से इतने सारे तोड़ लिए, एक बेल से सिर्फ एक तो पका हुआ है, उसको भगा दूंगी, लेकिन और तो सब अच्छे थे, फ्रेश थे एकदम, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। और ये लिए खड़ी थी तो मैंने इसकी फ़ोटो भी खींची। और उसके बाद में दोस्तों हम गए थे
मतीरा मतीरा देखने के लिए यहाँ पे आप मैं मतीरा बोल रही हूँ, तो ये राजस्थानी भाषा है, हमारी मतीरा बोलते हैं, वैसे इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तरबूज। और यहाँ पे देखिए बेल तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी कि दोस्तों यहाँ पे बेल है क्या। यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है तो गाड़ी कुचर के निकल जाती है, और फिर भी इतना बड़ा हो गया। और देखिए यहाँ पे ज़्यादा बेल तो कुचर गई है, आधी बेचारी टूट भी गई है, और फिर भी इतना बड़ा इस पे मतीरा निकल आया। और ये थी काचरा की बेल, काचरा जानते हो, काकड़ी काचरा आप बोलते हो किसको, जिसकी सब्जी बनती है उसको ये हम बोलते हैं काचरा। और उसके बाद में हमारे पीछे कुछ ऐसे खाली जमीन पड़ी है तो वहाँ पे हम गए, वो अगल बगल झाड़ियाँ थी तो वो देखो गुन्ना पहुँच गई है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। उस बेल में भी हमें बहुत ज्यादा कनकेड़ा तोड़ रहे थे, और मैं बोल रही थी कोई बोलेगा ये पागल लड़की आया है। देखिए इस बेल में भी हमें इतने सारे मिले कनकेड़ा, इतने सारे जहाँ देखो वहीं पे, आपको मोबाइल के कैमरा में इतने सारे नजर आए होंगे कनकेड़ा, हमने बहुत सारे तोड़े इसमें भी। मतलब सिर्फ हमें दो बेलों में से हमें पूरी सब्जी बनाने जितना मिल गया था कि पूरा घर खा सकता है पेट भर के, तो कुछ इस प्रकार से हमें मिल गया था। और यहाँ पे मैं भी तोड़ रही थी और सब बच्चियाँ भी तोड़ रही थी, हम सब मिल के तोड़ रहे थे कहीं ऊपर कहीं कैम, मुझे तो मोबाइल में ज़्यादा दिख रहा है, सामने तो इतना नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे उन लोगों के पास में पहुँच रही थी, लेकिन कैमरा में अब मैं देख रही हूँ तो कैमरा में ज़्यादा ही दिख रहे हैं, पहले से ही नज़र में आ रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे, मतलब इंजॉय करने को मिले बरसात के मौसम में, हर एक सब्जी मतलब हर ही मिले, खेत खरियाने वाली सब्जी खाने को मिले, कितना आनंद आता है। इनकी सब सब्जियां बना के खाए बहुत अच्छा लगता है, तो वही मैं कर रही थी, मैं भी दौड़ रही थी। मुझे तो खास तौर से कनकेड़ा की सब्जी खा बहुत ज़्यादा पसंद है, और सीजन में अभी ये कितने 200 रुपये किलो के जी पे था, 180, तब भी मैंने लेके आधा किलो लेके मैंने सब्जी बना के खाया था, उस टाइम पे भी मैंने सब्जी बना के खा लिया था स्टार्टिंग में जब इसका सीजन था। तो मुझे शौक है, काफ़ी हद तक इसकी सब्जी टेस्टी लगती है मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैंने रेडीमेड मोल लेके ही ख़रीद लिया था, सब्जी बना लिया था। अब तो उसके बाद में ये घरों में बेलें लगी हैं, तो ये तो सब मैं अपने घर पे भेजूंगी शाम के, क्योंकि यहाँ पे उसी दिन हमने सुबह सब्जी बनाई थी, फिर शाम के बनाना नहीं था इसलिए तो वहाँ पे भेज रही थी। और यहाँ पे पास में देखिए वो भैंस चर रही है, जो किसी दूसरे किसी का खेत था तो उनकी भैंस थी, यहाँ पे चर रही है। और यहाँ पे हम कनकेड़ा तोड़ रहे थे, मुझे डर भी लग रहा था कि कोई डांटे ना, जबकि उनका खेत नहीं था, ये हमारे ही ज़मीन के अंदर था, फिर भी डर लगता है। और सबसे ज़्यादा तो इस टाइम पे जानवरों का डर लगता है, सांप बिच्छू इन सब चीज़ों का डर लगता है कि ऐसा कहीं ना हो कि कहीं इतने ज़्यादा खरझाल में और कहीं से कोई जानवर आ जाए और कुछ नुकसान पहुँचा दे, डर भी रहे थे। लेकिन सावधानी से भी हम सतर्क होके ये काम कर रहे थे कि पूरी चारों तरफ हमारी नज़र थी। और ये ऐसे ही मैं ब्लॉग वीडियो लेके आऊँगी, अभी हरियाली के ही ज़्यादातर ब्लॉग वीडियो कुछ दिन चलेंगे मेरे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हरा भरा मौसम है, खेत खलिहानों में मैं हूँ तो एंजॉय करूँ जितने दिन यहाँ पे हूँ, तो एंजॉय करने का पूरा हक है मेरा, तो एंजॉय कर रही हूँ और अच्छा भी लग रहा है एंजॉय करने में। और ऐसा मौसम हो, यहाँ पे राजस्थान में तो इतनी बारिश आ रही है दोस्तों, इतनी बारिश आ रही है, मतलब एक दिन के बाद में ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन बारिश ना आए, सुबह नहीं आएगी दोपहर की आएगी, दोपहर की नहीं आएगी तो शाम की आएगी, मतलब नियम बना लिया है बारिश ने तो आना ही आना है। थोड़ी देर के लिए मौसम साफ होता है वापस बारिश आ जाती है, और इस बरसात में कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, ऐसी पोजिशन है इस टाइम पर। तो आप लोग भी बताना आप लोगों के वहाँ भी इसी प्रकार की बारिश है क्या, या हमारे ही राजस्थान में बहुत ज़्यादा बारिश आ गई है। राजस्थान में तो है ही है बारिश, और ये आसपास का सब हमारा ही है। और उसके बाद में हम और भी दूसरी जगह गए थे, यहाँ पे मैं हूँ कुर्ता सलवार सूट में मैं हूँ, जो कि कनकेड़ा तोड़ रही थी। और यहाँ पे ये वाला जो एरिया दिख रहा है मकान के पीछे का एरिया है, ये हमारे मकान है, ये सब पीछे का एरिया है, जंगल 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 है।
ऐसा जंगल नहीं है जी, घास है, बरसात के मौसम में घास तो उगी जाती है, तो इनके कौन जहाँ रहना होता है वहाँ पे आसपास सब सफाई रहती है, जहाँ नहीं रहना तो वहाँ पे सफाई क्या, बरसात नहीं आएगी अपने आप सूख के वो हो जाती है, तो इसलिए। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों यार दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो और सपोर्ट भी करो, चैनल मेरा थोड़ी डाउन पे जा रहा है, ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, ज़्यादा वीडियो नहीं डालती हूँ, टाइम मिलता है जब डाल देती हूँ, नहीं मिलता है नहीं डालती हूँ, तो इस प्रकार से कुछ है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज वाला ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी को इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी जानकारी के साथ में, या ब्लॉग वीडियो या टिप्स वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, विश यू ऑल।